सो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या होता है, इंफ्लामेशन हो जाता है हमारे लीवर का। लीवर का इंफ्लामेशन ही हेपेटाइटिस बोलते हैं। इट इज़ अ इंफ्लामेशन ऑफ द लीवर एंड करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इंफ्लामेटरी सेल्स इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गन। कॉजेस में क्या होता है, किन किन कारणों से हेपेटाइटिस हो सकता है, तो कॉजेस में ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन ड्यू टू वायरसेस सच एज हेपेटाइटिस ए और बी और सी, लीवर डैमेज ड्यू टू अल्कोहल पॉइजनस में मशरूम्स और अदर्स, मेडिकेशंस सच एज ओवरडोज ऑफ एसिटामिनोफेन विच कैन बी डेडली। टाइप्स की बात करते हैं तो सात टाइप्स की हेपेटाइटिस हो सकता है। फर्स्ट अल्कोहल हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स, मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो सकता है, डार्क यूरिन हो सकता है, फटीग थकान महसूस होने लगता है, फीवर हो सकता है, लो ग्रेड फीवर आ सकता है, इचिंग, जनरली इचिंग खुजली टाइप में हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, भूख नहीं लगना। जॉइंटिस क्या मतलब कि एलोइस स्किन हो जाता है, उसी को जॉइंटिस बोलते हैं। नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, वेट लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कौन कौन से मोड्स हैं जिनसे हेपेटाइटिस ट्रांसफ़र हो सकता है। हेपेटाइटिस ए होता है वो फीको ओरल रूट से ट्रांसफ़र हो सकता है, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो पेरेंटल रूट से ट्रांसमिशन हो सकता है, हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही होता है, हेपेटाइटिस डी का ट्रांसमिशन जो होता है पेरीनेटल ट्रांसमिशन होता है, बचपन से ही बोल सकते हैं, पेरीनेटल बोल सकते हैं। हेपेटाइटिस ई का जो ट्रांसमिशन होता है थ्रू फूड एंड वाटर, फूड और वाटर से भी हेपेटाइटिस ई का ट्रांसमिशन हो सकता है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की, अगर किसी भी पेशेंट को हेपेटाइटिस है तो उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन जैसे कि किसी भी उसके फैमिली मेंबर को तो नहीं पहले से हेपेटाइटिस हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि उसको क्या क्या साइंस क्या हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, लीवर बायोप्सी इसलिए चेक करते हैं कि देखना उसमें देखते हैं कि लीवर डैमेज हुआ है कि नहीं, लीवर बायोप्सी टू चेक फॉर लीवर डैमेज। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, परमानेंट लीवर डैमेज को सिरोसिस, लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं, परमानेंट लीवर डैमेज हो सकता है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिनाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसमें क्या होता है, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ हाई कैलोरी डाइट लेनी पड़ती है, लो फैट डाइट लेनी पड़ती है, प्रोटीन्स आर रिस्ट्रिक्टेड, प्रोटीन्स नहीं लेते हैं हेपेटाइटिस में, विटामिन के इंजेक्शन लगाया जाता है, विटामिन के आईवी फ्लूड्स, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी इमिटिक नोजिया के लिए दिया जाता है, वैक्सीन्स लगाते हैं हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी की, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को बोलते हैं कि आइसोलेट होने के लिए, एंटी एसिड्स देते हैं, सेफ्ट्रेक्सॉन देते हैं 1 ग्राम बीडी दिन में 2 बार, एस टू ब्लॉकर जैसे कि रेनिटिडिन, एसिक्लोफेनिक, ये। सो गाइस आज का टॉपिक इतना ही, आगे मिलते हैं नए टॉपिक्स पे, थैंक यू। सो गाइस आज का टॉपिक इतना ही, आगे मिलते हैं नए टॉपिक में, थैंक यू।